तेरा नाम लिया पहले कहा टोकरी भी मेरी दिल दे जिंदगी तेरा प्यार बिल्कुल 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 इस विलाग में मैं और सदफ आपको बताएंगे कि मास्टर अब्दुल्ला ग्रेट म्यूजिक डायरेक्टर और उस्ताद नुसरत फतेह अली खान कव्वाली लेजेंड उनकी दोनों की नाचाकी हो गई लड़ाई हो गई और मास्टर अब्दुल्ला ने जो नाचाकी में और गुस्से में जो कव्वाली बनाई कि उस्ताद नुसरत फतेह अली खान को जवाब देना है कि उस लेवल की और उनसे आगे की मैंने कव्वाली बनानी है कव्वाली उस लेवल की उस्ताद नुसरत फतेह अली खान के लेवल की कव्वाली बन सकी या नहीं बन सकी लेकिन म्यूजिक के लोग उस कव्वाली को बहुत हाई प्लेस करते हैं आज के विलाग में आपको ये बात पहले सुनी आपने मैं आपको बता नहीं सकती कि उसके बाद एक रूहानी कैफियत मुझ पे तारी हुई है और बड़े अरसे बाद मैंने इस तरह की कव्वाली सुनी है मेरे जमन तो पहले दी है मेरे ख्याल ना हाँ 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 पैदा होने से पहले की होगी और ये वेव से भी साथ साथ बात चलती रही ये वो कव्वाली है जो मास्टर अब्दुल्ला ने अच्छा शुगर वाला फिल्म के लिए तख्लीक की थी और इस कव्वाली की वजह ये थी कि आप मास्टर अब्दुल्ला और उस्ताद नुसरत फतेह अली खान की लड़ाई हो गई उनमें ताल्लुकात उनके पेशीदा हो गए और फिर मास्टर अब्दुल्ला जो है वो बड़े खिजबाज थे और जिद्दी थे उन्होंने कहा कि मैं ऐसी कव्वाली बनाऊंगा कि उस्ताद नुसरत फतेह अली खान को उसका जवाब दूंगा कव्वाली में हाँ जी म्यूजिक की शक्ल में तो पहले तो ये बताएं कि वो कव्वाली की आप क्योंकि म्यूजिकोलॉजिस्ट हैं कि कव्वाली की कंपोजिशन क्या है ट्यून क्या है किस लेवल की वो मैं आपको दो चीजें बयान करना चाहती हूँ सब आप आपका करम मुझ पे कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मुझे आप इस पे बोलने का मौका देते हैं हमेशा बात ये है कि म्यूजिक की मुख्तलिफ सिंफे है ना ठीक मतलब कवाली हो गई गाना हो गया बैलेड सिंगिंग हो गई फलाना हो गया ए हो गया उधर हो गया इधर हो गया सो मेनी थिंग्स गोइंग ऑन इन म्यूजिक मास्टर अब्दुल्ला साहब वही ना जिन्होंने सजना रहा तेरा तक तक हारियां बुए खोले मैना दिया बारियां अच्छा जब वो ट्यून बनाते थे तो मैंने ये नोट किया कि उसमें शुरतियां भी हैं उसमें बहलावे भी हैं ठीक है उसमें दिल दिल खोले शुरतियां ने ना जी, जी. ये शाम चुरासी घराने को बहुत करम है उनपे अच्छा ये शाम चुरासी घराने की शुरतियां तो मशहूर है लेकिन वो शागिर्द थे बरकत अली उस्ताद बरकत अली खान के उस्ताद बड़े गुलाम अली खान तो पटियाला घराना तो आप बजा फरमा रहे रिस्पेक्टेड सर अगर असि गल कर रहे हैं कि जेड़े जेड़े लोग लश्कर की सूरत इस्तेमाल हुए ने कव्वाली तो बदला एक अच्छा अब ये नहीं पूछोगे कि ये हुआ क्या था और किस तरह से जो है वो ये कव्वाली हुआ ये था सदफ के मास्टर अब्दुल्ला और मलका तरन्नम नूर जहां के दरमियान लड़ाई हो गई थी और मास्टर अब्दुल्ला साहब का बयान छप रहा है पाकिस्तान अखबार में जहां मैं था और मलका तरन्नम नूर जहां का बयान छप रहा होता था जंग अखबार ये तो बड़ी प्यारी बड़ी मासूम सी लड़ाई है बगैर किसी वेपन दे बगैर किसी लश्कर जी 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 ताने मेने रागा दिया गल्ला जी बैठ दिया गल्ला तलंग दी गल भैरवी दी गल जी ओदी गल मालकौस दी गल तो लड़ाई हो गई तो ये जो थे उस्ताद नुसरत फतेह अली खान इन्होंने बफ की मलका तरन्नम नूर जहान की वो भी तो किया वो मैडम जी ने डिविड बहुत बाद में चुना है ये उसी जमाने की बात है ना ये उसी जमाने की बात है इस जमाने में था मेरी जिंदगी दूर मेरी जिंदगी दूर कैसे था तो करिए भी मेरी दिल दे ये था मेरी जिंदगी तेरा प्यार बिल्कुल 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 अंश मास्टर अब्दुल्ला ने सोचा
असद अब्दुल्ला साहब के पास उस वक्त ना फिल्में ज्यादा नहीं होती थी क्योंकि मेन सिंगर मलका तरन्नुम नूर जहां और मलका तरन्नुम नूर जहां उस वक्त प्रेफर करती थी कि वजाहत अतरे मौसीकार हो या मशरफ हो, नजीर अली साहब हो या नजीर अली साहब का फेड ऑफ हो गया हुआ था और उनका दौर खत्म हो गया था, तो ये लोग थे दो जो वजाहत अतरे और एम अशरफ और ये जुल्फकार अली भी कभी कभी ये भी लेकिन ये भी जूनियर पोजिशन में थे। तो मास्टर अब्दुल्ला के पास फिल्म थी अच्छा शुक्र वाला जी। जो अच्छा शुक्र वाला खुद सही रियल अच्छा शुक्र वाले थे जो लाहौर के आपको पता है पहलवान आदमी थे और पुलिस के रिकॉर्ड के मुताबिक वो बस्ता बे और बस्ता अलफ के बदमाश थे। ठीक है, तो वो मास्टर अब्दुल्ला साहब के बड़े बड़ी थे, जिगरी दोस्त थे दोनों। तो वो फिल्म बन रही थी अच्छा शुक्र वाला, तमाम मास्टर अब्दुल्ला के मतलब सब कुछ लड़ाई वड़ाई करन दे, मगर उन्होंने और मसाले इस्तेमाल नहीं किए, उन्होंने म्यूजिक दे विच जंग की थी। वो जो मास्टर अब्दुल्ला साहब ने एक ताफ़ बरादरान में एक भाई कत्ल कर दिया था ना सर, अब्दुल्ला साहब दे अच्छा शुक्र वाले भी दोस्त सन तुसी दस्सिया मैनू, मगर उन्होंने अपने मसाले इस्तेमाल नहीं किए जंग विच, उन्होंने कवाली दी शक्ल विच बदला लेता है। मास्टर अब्दुल्ला साहब देखे अच्छा शुक्र वाला तो फौत हो गए हुए थे ना, जाहिर है उन पे फिल्म बन रही थी जी। और मास्टर अब्दुल्ला उनके दोस्त थे, उन्होंने अच्छा शुक्र वाला में कुछ सिचुएशन नहीं थी जी। हसन अस्करी उसके डायरेक्टर थे, उन्होंने कहा जी कि जी ये इसमें कवाली भी डालें, क्योंकि मैंने उस्ताद नुसरत फतेह अली खान को जवाब देना है जो उसने मेरे खिलाफ जो है मेरे खिलाफ बयान नूर जहां से कहना है नहीं जी। वो मलका तरन्नुम नूर जहां ने सबको फोन किया जी। कि जी परवेज मेहदी फला ये वो जो जो वहां से सिंगर्स एक तरफ हो गए, म्यूजिशियंस और सारे ही एक तरफ हो गए, मलका तरन्नुम नूर कल्ले आतम तरह छाता मास्टर अब्दुल्ला कल्ले काफी बहुत अच्छे कल्ले काफी। वो मास्टर अब्दुल्ला और उनके बहनोई मास्टर अनायत सैन ये एक तरफ थे, बाकी सब जो है मलका तरन्नुम नूर। मगर जो कवाली एक सिंफ है उसके अंदर जितने असरार और रमूज है वो बा अदब सुर उसमें इस्तेमाल होनी चाहिए। राग कंफ्यूज होते ने कि तुसी क्या के तांबे उते स्याही नहीं सी आटा लगया सी ते किस कदर समझदार सन हो जी जी। तांबा बोलेगा रूहानी एतबार नाल बोलेगा कलाम दे अंदर सही। अच्छा फिर टेक्निकली उन्होंने शेर अली मेर अली साहब जो फैसलाबाद ने अच्छा फैसलाबाद के कवाला का इंतखाब किया जी। देखो ना ठीक है, उनके बाद जो म्यूजिशियन सन उन्होंने इंतखाब किया, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਅਦਬ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਦਬ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਨਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਅਦਬ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਕਿਧਰੇ ਵੀ। ਹਾਂ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਵਾਲੀ ਚ, ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੀਦਾ ਬੇਟਾ।